दोस्तों हमने यहाँ पर जो एक मेन लीड ले लिया है, और दोस्तों इस मेन लीड को हम यहाँ पर जो है मेन सप्लाई में लगाते हैं, और मेन सप्लाई में लगाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो है एक वायर को हम पंखे की मेन लीड में लगाएंगे, और फ्रेंड्स यहाँ पर हम दूसरी वायर को बड़ी में टच करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो पंखा है दोस्तों वो काफ़ी जोर जोर से यानी कि स्पीड में चल रही है, यानी कि दोस्तों देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप फ्राटा फैन देख रहे हैं दोस्तों ये पूरी तरह से फुल यहाँ पर जो है बड़ी बता रहा है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस मेन लीड को मेन सप्लाई में लगा के और पंखे को टच करते हैं तो हमारे साथ यहाँ पे जो दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह से ये हमारी जो फैन है दोस्तों ये बड़ी हो चुकी है, इस पंखे में करंट आ चुकी है। हेलो दोस्तों, नासरीन इलेक्ट्रिक टेक में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों कैसे हम सब, आशा करता आप लोग अच्छे और अच्छे रहोगे। फ्रेंड्स अभी आपने देखा दोस्तों कि इस पंखे में हम यहाँ पे जो एक तार को यहाँ पे मेन लीड में लगा रहे हैं, दूसरी तार को दोस्तों यहाँ पे हम बॉडी में टच कर रहे हैं। हमारी जो फैन है दोस्तों यहाँ पे काफी जोर जोर से यहाँ पे चल रही है, यानी कि दोस्तों बॉडी के साथ अटैच करने पे हमारी पंखा दोस्तों यहाँ पे नहीं चलना चाहिए। पर फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो पंखा दोस्तों ये पूरी तरह से रन कर रही है, यानी कि इससे ये साबित हो रही है फ्रेंड्स कि इस पंखे में हमारे यहाँ पे जो करंट बता रही है, पूरी तरह से ये फैन हमारी बड़ी हो चुकी है। दोस्तों अगर इस तरह की सिचुएशन आपके भी पंखे में आ जाती है या आ रही फ्रेंड्स, तो आप जो इस प्रॉब्लम को आसानी से ठीक कर सकते हैं अपने घर पे। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मैं यही कहूंगा, अगर दोस्तों इस तरह की सिचुएशन आती है तो दोस्तों आप पंखा में सप्लाई ना दें, दोस्तों आप अपने पास के मैकेनिक से दिखवा लीजिए, या फ्रेंड्स अगर आप इसे खुद रिपेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप जो खुद भी रिपेयर कर पाएंगे। फ्रेंड्स आखिर इस तरह की समस्या इस पंखे में आती है तो आती कहाँ से है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपके यहाँ पे जो सारा चीज है ए टू जेड यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो को बिना स्किप के दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, साथ फ्रेंड चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि न्यू लेटेस्ट हमारी आने वाली वीडियो जगह आप लोग को जल्द देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स टाइम को बिना गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मेन लीड में सप्लाई लगाते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारी पंखा चल रही है, साथ फ्रेंड्स यहाँ पे बॉडी में भी चल रही है। दोस्तों ये गलत है, यानी कि बॉडी में टच करने पे दोस्तों हमारी यहाँ पे जो पंखा को नहीं चलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आइए सबसे पहले हम इसकी प्रॉब्लम बता देते हैं, आखिर इस तरह की समस्या इस पंखे में आती है तो आती कहाँ से। दोस्तों हम प्रॉब्लम जान लेंगे तो इसका सलूशन भी हम आसानी से कर पाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं। पंखे में अगर करंट आने की समस्या की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी मेन लीड है दोस्तों, ये मेन लीड यहाँ पर हमारे जो बॉडी के साथ टच हो जाती है, तो इस वजह से भी फ्रेंड्स यहाँ पे जो करंट आने की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। बट फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं एक यहाँ पे जो कवर यहाँ पे लगाई गई है, तो यहाँ पे कटा भी यहाँ पे वायर हमें नजर नहीं आ रही है। दूसरी फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो आप वायर देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये उस यहाँ पे बॉडी से अटैच हो जाएगी, उस वजह से भी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है करंट आने की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तीसरी फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी क्वाइल है दोस्तों, ये क्वाइल हमारी यहाँ पे जो इस बॉडी के साथ अटैच हो जाती है, यानी ये वाली क्वाइल यहाँ पे टच हो जाती है, तो उस वजह से भी आपको यहाँ पे जो समस्या आपको जो है देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स जब हम यहाँ पे कॉइल को डालते हैं, तो कॉइल को डालते समय वहाँ पर हम जो पेपर सेपरेटर पेपर यूज करते हैं जो हमारी कॉइल को बाहर ना आने दे, या फ्रेंड्स यहाँ पे जो कॉइल को बॉडी से अटैच ना होने दे, वो पेपर फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे आगे बढ़ जाती है, या फ्रेंड्स हमारी पेपर से एक कॉइल दोस्तों स्लॉट से निकल के बॉडी से अटैच हो जाती है, तो उस वजह से यहाँ पे जो इस तरह की समस्या देखने को मिल सकती है, देखने को आ जाती है। दोस्तों इन्हीं में से कोई एक फॉल्ट होगी, बस आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यानपूर्वक से आपको यहाँ पे जो फॉल्ट को देखना है, आखिर यहाँ पे समस्या आखिर है तो है कहाँ से। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, सभी वायर को हम यहाँ पे जो हटा लेते हैं। वायर को खोलने से पहले आप जो है सभी वायर पे एक बार जो है नजर दौड़ा ले, कौन सी हमारी यहाँ पे जो वायर कहाँ पे जुड़ी हुई है, आप जो है इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो दोस्तों फोटो यहाँ पर आप जो है क्लिक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो है सीरीज टेस्ट लैंप का यूज कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम एक वायर को यहाँ पर हम जो है कॉमन पे टच किए हैं, और दूसरी को दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं मोटर में ही फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो है दिक्कत है, देख सकते हैं पूरी तरह से बड़ी है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम पंखे को सबसे पहले ओपन करके। दोस्तों यहाँ पे इस तरह की समस्या आपको यहाँ पे जो है स्लॉट पेपर जो होती है दोस्तों वो हमारी जो है गल जाती है, उस वजह से भी आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल सकती है। तो आइए हम सबसे पहले पंखे को ओपन करते हैं, तभी जाके हमें पता चलेगा, क्योंकि दोस्तों मुझे भी नहीं पता है कि क्या प्रॉब्लम है। हमने आपको जो भी बताया है यहाँ पे सिर्फ अंदाजा के साथ बताया है, मेरा ये अनुभव है, इसी में से कोई एक फॉल्ट हो सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पंखे को अच्छी तरह से ओपन कर लिया है, हमारे जो रोटर दोस्तों यहाँ पे हमारी जो निकल चुकी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक से देख लेनी है, यहाँ पे जो आप जितना भी स्लॉट पेपर देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए ध्यानपूर्वक से, ये हमारी गला तो नहीं है फर्स्ट नंबर। यहाँ पे आपको ये देख लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दूसरी कंडीशन देखनी है, जो यहाँ पे स्लॉट पेपर यूज की जाती है कवर करने के लिए कॉइल को, दोस्तों वो हमारी कहीं आगे तो नहीं भाग गई है। एक एक करके यहाँ पे जो है आप ध्यानपूर्वक से देख लीजिए, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये हमारी जो है कुछ इस तरह से बाहर हमारे यहाँ पे जो है निकली हुई है। और तीसरा बार यहाँ पे दोस्तों आप जो है एक बार नजर डाल लें, यहाँ पे जो हमारी कॉइल है फ्रेंड्स ये हमारे जो है कहीं स्लॉट से बाहर तो एक भी कॉइल नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे जल्दी से चेक करते हैं और आपको मैं देख के बताता हूँ।
फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो है एक एक स्लॉट करके हम यहाँ पे जो सभी कॉइल को देख लिया दोस्तों, सभी स्लॉट को भी देख लिया। यहाँ पे फ्रेंड्स एक भी वायर यहाँ पे जो है बाहर नहीं निकला हुआ है स्लॉट से। पेपर कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमारा जो है कुछ इधर निकला हुआ है, बट यहाँ पे जो है सभी यहाँ पे जो कॉइल ये कवर है। फिर भी फ्रेंड्स यहाँ पे समस्या है मेरे हिसाब से। फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इसकी जो है कोई भी यहाँ पे स्लॉट का जो पेपर दोस्तों ये हमारे यहाँ पे गल चुकी है, उस वजह से यहाँ पे जो प्रॉब्लम है। वायर को जब हम टच करते हैं इस तरह से दोस्तों, यहाँ पे हमें जो यहाँ पे कुछ स्पार्क नजर आ रही थी यहाँ पे, तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम। आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक से फ्रेंड्स देखना पड़ेगा, जब जाकर आपको पता चलेगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। इस पेपर को जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके अंदर फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारी कला यहाँ पे जो पड़ा हुआ, यानी कि पेपर यहाँ पे जो है इसी जगह पर हमारे यहाँ पे जो गला हुआ नजर आ रही है। तो चलिए यहाँ पे स्टेटर को निकाल लेते हैं और आपको यहाँ पे जो बढ़िया से दिखाता हूँ यहाँ पे पेपर यहाँ पे गला है कि नहीं गला। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो स्टेटर को जो बाहर कर लिया है, अभी देखिए यहाँ पे देखिए इस जगह पर आपको यहाँ पे कला नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारे जो पेपर दोस्तों यहाँ पे ये गला हुआ है और यहाँ पे आपको जो काला भी कुछ नजर आए। तो हमें यहाँ पे क्या करनी है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें जो एक पेपर लेनी है और इस पेपर को दोस्तों यहाँ पे हम लगा के देखते हैं। हमारी अगर पेपर चल जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं जाएगी फ्रेंड्स तो हम इसे रिवाइंड कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से पेपर जो है डाल लिया है, तो यहाँ पे पेपर हमारी दोस्तों यहाँ तक निकल चुकी है, देख सकते हैं यहाँ तक निकल गई है। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पर हम बड़ी चेक करते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे बड़ी बता भी रही है। आइए यहाँ पर हम बड़ी चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर मुझे कॉमन पे वायर को लगाया है, दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पे बड़ी में लगा रहे हैं, तो अभी यहाँ पे जो करंट नहीं बता रहा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी दोस्तों, यहाँ पे जो है इसकी पेपर यहाँ पे जो है लीकेज हो चुकी थी, उस वजह से यहाँ पे जो है प्रॉब्लम आई थी। देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी करंट नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स इस स्टैंपिंग को दोस्तों हम यहाँ पे जो है इसके बॉडी के साथ अटैच करके और यहाँ फिर से हम एक बार बॉडी चेक करेंगे और यहाँ पे मैं आपको चला के दिखाता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे ये पंखा जो है ये चल रहा है कि नहीं और यहाँ पे करंट भी मार रही है। आइए सो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने जो है पंखे को पूरी अच्छी तरह से टाइट कर लिया है, स्टेटर को भी अच्छी तरह से ठोक लिया है। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर हम चेक करते हैं यहाँ पे जो हमारी करंट आने की समस्या थी दोस्तों वो हमारी दूर हुई कि नहीं। एक वायर को पंखे की मेन लीड में सटाएंगे और दूसरी वायर को बॉडी में टच करेंगे। देखिए यहाँ पे अब जो है बिल्कुल भी करंट नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करंट आ रही है दोस्तों ये पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, यानी कि अब बिल्कुल भी यहाँ पे जो पंखे में करंट नहीं है, देख सकते हैं कोई भी करंट यहाँ पे नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम चला के दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे हमारी जो पंखा ये पूरी तरह से चल रही है और बॉडी में टच कर रहे हैं तो बिल्कुल भी यहाँ पे जो करंट नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसकी समस्या थी करंट आने की दोस्तों, यहाँ पे इसकी जो पेपर दोस्तों यहाँ पे लीकेज थी। अक्सर पंखे में दोस्तों यहाँ पे क्या होती है कि आपको एक बार दोस्तों स्लॉट से निकल जाती है और बॉडी के साथ अटैच हो जाती है, तो उस वजह से आपको यहाँ पे समस्या देखने को मिल सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि दोस्तों कॉइल हमारी जब साइज बड़ा हो जाती है तो बॉडी में टच हो जाती है, तो उस वजह से भी आपको देखने को समस्या मिल सकती है। आई होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग को पसंद जरूर आई होगी, सो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि न्यू लेटेस्ट हमारी आने वाली वीडियो जो है आप लोग को जल्द देखने को मिले। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए फोन के साथ, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।